कैसे बनते हैं नागा साधु, ये क्यों रहते हैं निवस्त्र, बेहद रहस्यमय है उनकी दुनिया। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। नागा साधु हिंदू धर्म में शैव संप्रदाय के सबसे कठोर और रहस्यमय साधुओं में से एक माने जाते हैं। नग्न रहने, कठोर तपस्या करने और अलौकिक शक्तियों के धारक होने के लिए प्रसिद्ध नागा साधु सदैव से लोगों के लिए आकर्षण और श्रद्धा का केंद्र रहे हैं। ऐसे में आज हम जानेंगे, बात करेंगे नागा साधुओं से जुड़ी कुछ अनोखी बातों की, जिसे शायद ही आप जानते होंगे। बात करेंगे उनके रहन सहन और जीवन की। देखिए, नागा साधु जीवन भर नग्न रहते हैं। यह उनके वैराग्य और संसारिक मोह त्यागने का प्रतीक है। यह अत्यंत कठोर तपस्या है। खुले आसमान के नीचे बिना वस्त्रों के ध्यान, योग और मंत्रों का जाप करते रहना। वहीं नागा साधु विभिन्न अखाड़ों से जुड़े होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी परंपराएं और रीति रिवाज है। कुंभ मेले में नागा साधु का जुलूस इनकी शक्ति और भव्यता का प्रतीक होता है। बताया जाता है कि नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 12 साल लगते हैं, लेकिन नागा पंथ में शामिल होने के लिए 6 साल लगते हैं। इस दौरान वे एक लंगोट के अलावा कुछ भी नहीं पहनते। इसके बाद कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट भी त्याग देते हैं और पूरे जीवन बिना कपड़ों के ही रहते हैं। वहीं नागा साधु भिक्षाटन द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। ये सात्विक भोजन करते हैं और मांस मदिरा का सेवन नहीं करते। कहा जाता है कि नागा साधु को एक दिन में 7 घरों से भिक्षा मांगने की अनुमति होती है। अगर इन्हें घरों से भिक्षा नहीं मिलती तो भूखा ही रहना पड़ता है। वहीं नागा साधुओं को अक्सर अलौकिक शक्तियों का धारक माना जाता है। कहा जाता है कि वे योग और ध्यान के माध्यम से अदृश्य होने, भविष्य बताने और प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित करने जैसी शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। आपको बता दें कि नागा साधु बनने से पहले उन्हें स्वयं का पिंडदान भी करना पड़ता है। वो स्वयं को अपने परिवार और समाज के लिए मृत मानकर अपने हाथों से अपना श्राद्ध कर्म करते हैं। इसके बाद ही उसे गुरु द्वारा नया नाम और नई पहचान दी जाती है। वहीं महिला नागा साधु भी होती हैं। जी हाँ, पुरुषों के अलावा महिला नागा साधु भी होती हैं। वह भी पुरुषों की तरह ही कठोर तपस्या करती हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि महिला नागा साधु गेरुए रंग का वस्त्र पहनती हैं। ये बहुत कम दिखाई देती हैं। आमतौर पर ये कुंभ के मेले में ही नजर आती हैं। वहीं अघोरी साधु शवों की साधना के साथ ही उनसे शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। जी हाँ, अघोरी का कहना है कि शिव और शक्ति की उपासना करने का यह तरीका, वे मानते हैं कि अगर शव के साथ शारीरिक क्रिया के दौरान भी मन ईश्वर की भक्ति में लगा रहे तो इससे बढ़कर साधना का स्तर कुछ नहीं हो सकता। यदि आप नागा साधुओं के बारे में पहले से ये जानकारी जानते थे तो कमेंट करके राय ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। तब तक के लिए धन्यवाद।